स्पिरिट में डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर क्रॉस में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड की थी मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए यहाँ पे, एक तो लोडिंग कंडीशन कंप्लीट हो गया और एक तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, तो स्टेप नंबर थ्री हमें क्या सिखाएगा? स्टेप नंबर थ्री हमें सिखाएगा सेक्शन सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सेक्शन सिलेक्शन मींस हमारी प्लेट गर्डर की साइज कैसी होगी। हमें पता है कि प्लेट गर्डर ड्रॉ करना है, आई सेक्शन ड्रॉ करना है, तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो मींस इसकी साइज क्या होगी, ओके, वेब साइज क्या होगी, फ्लेंज साइज क्या होगी। तो जैसा कि हमें पता है, पहले हम स्टार्ट करते हैं वेब पोर्शन से। कौन से पोर्शन से? फर्स्टली टू डिसाइड द वेब पोर्शन। ओके, तो वेब पोर्शन यानी कि वर्टिकल। वेब पोर्शन में कौन से डायमेंशन हमें चाहिए? तो ऐसी प्लेट होती है हमारी, ठीक है। ये हो गए हमारे इफेक्टिव डेप्थ डी, और ये हो गई हमारी थिकनेस ऑफ वेब। ओके, तो अब डी के लिए जैसे कि हमने स्टेप्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डी इज इक्वल टू व्हाट इज द इक्वेशन, एम के अपन एफ वाई रेस टू 0.33, ये वाला इक्वेशन था हमारा। देखो यहाँ पे दिखाया है मैंने, स्टेप में एक्सप्लेन किया है आपको। ये रहा इक्वेशन, डी इज इक्वल टू एम के अपन एफ वाई रेस टू 0.33। इसमें डी के इज इक्वल टू क्या है? डी बाई टी डब्ल्यू स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ वेब, ओके। उस टाइम मैंने बोला नहीं था। तो अभी हम यहाँ पे उसमें चार कंडीशन, के इज इक्वल टू व्हाट, के इज इक्वल टू, देर आर फोर कंडीशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी एम बेंडिंग मोमेंट, एम यानी कि एम हमने फाइंड कर लिया है, एम इज इक्वल टू, एम इज इक्वल टू, तो एम इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच इज 5947.2 इंटू मीटर। तो हम यहाँ पे उसको न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में लिखेंगे, तो 5947.2 इंटू 10^6 न्यूटन इंटू एम एम। क्यों न्यूटन इंटू एम एम? क्योंकि एफ वाई इज इक्वल टू व्हाट? 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमें के है, तो के इज इक्वल टू व्हाट? स्लेंडरनेस रेशियो। ओके, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ वेब। उसमें हमारे चार कंडीशन थी, कौन सी चार कंडीशन थी? तो एक बार हम फिर से देख लेते। तो चार कंडीशन में हमारा क्या क्या था? तो ये रहा था, एक तो डी बाई टी डब्ल्यू ग्रेटर देन 67, तो नो एंड स्टिफनेस, नो आई टी एस मीन्स इंटरडिजिट ट्रांसवर्स स्टिफनेस नहीं है। डी बाई टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 और ग्रेटर देन 100 और इक्वल टू 100, तो ओनली एंड स्टिफनेस, नो इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस। डी बाई टी डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन 200, तो बोथ एंड स्टिफनेस एंड ट्रांसवर्स स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड, एंड डी बाई टी डब्ल्यू इज 250 ग्रेटर देन 250, तो ऑल ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड। तो अब हमें इसमें से कोई एक कंडीशन चूज करनी है, तो उसके लिए हम पहले हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, के डिजाइन अ वेल्डेड प्लेट गर्डर फॉर अ सिंपली सपोर्टेड ब्रिज डेक बीम विथ क्लियर स्पान 24 मीटर सब्जेक्टेड टू डेड लोड। और देखो लास्ट में लिखा है डिजाइन एज एन अनस्टीफन प्लेट गर्डर, मीन्स ज्यादा स्टिफ भी नहीं होना चाहिए। अगर हम जितने स्टिफनेस ज्यादा यूज करेंगे उतना वो स्टिफ होता चला जाएगा। इट मीन्स वी डजंट हैव टू यूज आई टी एस, क्योंकि आई टी एस यूज करेगा तो स्टिफन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओनली एज्यूम करते हैं कि वी आर ओनली यूजिंग यूजिंग एंड स्टिफनर, ठीक है। वी आर ओनली यूजिंग एंड स्टिफनर, नो आई टी एस, बिकॉज वी हैव टू
डिजाइन इट एज एन अनस्टीफन। ओके, इस बेस पे से मैंने ये एस्यूम किया। ओके, सो अब अनस्टीफन करना है तो 100 से 200 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि के इज इक्वल टू, लेट अस एज्यूम के इज इक्वल टू, लेट अस एज्यूम 100 से एज्यूम बिटवीन, एज्यूम फ्रॉम 100 टू 200। तो आई एम एज्यूमिंग 150, के इज इक्वल टू डी बाई टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 150। ओके, तो हमने चारों वैल्यू फाइंड कर ली, तीनों एक दो और तीन। तो लेट अस पुट दिस इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट ऑन करते हैं, डी इज इक्वल टू एम के एफ वाई रेस टू 0.33, इन विच एम इज इक्वल टू वॉट, 5947.2, 5947.2 इंटू 10^6 इंटू 150 डिवाइड बाई 250 रेस टू 0.33। सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ डी वी गेट, लेट अस फाइंड बाई यूजिंग कैलकुलेटर। सो 5947.2 इंटू 10^6 इंटू 150 डिवाइड बाई 250 रेस टू 0.33, तो वी गेट 1420 mm। तो लेट अस एज्यूम 1400 mm, वाई? बिकॉज वी हैव टू स्टिल प्रोवाइड अ फ्लेंज पोर्शन। तो हम यहाँ पे 1400 एज्यूम करते हैं डीएफ, तो डी इज इक्वल टू वी गेट 1400। तो हमें वेब में डी पोर्शन मिल गया। अब क्वेश्चन में देखो, विथ थिक वेब लिखा हुआ है, क्या है थिक वेब? तो यहाँ पे हम वेब तो एज्यूम ही करना है, तो हियर वी हैव टू प्रोवाइड थिक वेब थिक वेब। तो लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम थिकनेस ऑफ वेव इज इक्वल टू 12 mm। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, डी मिल गया 1400 mm और थिकनेस ऑफ वेव मिल गया 12 mm। ओके, तो हमने जो प्लेट गर्डर डिजाइन किया था वो फाइंड कर लिया। तो प्लेट गर्डर का वेव पोर्शन जो है वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया यहाँ पे, विच इज 1400 mm, एंड दिस इज 12 mm। ओके, तो वेब पोर्शन इज डिसाइडेड। नाउ वेब पोर्शन डिसाइड करने के बाद हमारा काम क्या है, चेक फॉर, चेक में रेड रेड से लिखूंगा, चेक फॉर सियर वेब बकलिंग। तो यहाँ पे सीयर वेब बकलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमें चेक करना है, कि चेक फॉर सीयर वेब बकलिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट। ये यहाँ से हमें मालूम होगा कि अगर चेक फॉर सीयर वेब बकलिंग रिक्वायर्ड तो यहाँ से पता चल जाएगा, नहीं रिक्वायर्ड तो भी पता चल जाएगा। तो ये IS कोड के हिसाब से अगर हम देखें तो एज पर IS कोड चेक फॉर सीयर बकलिंग, एज पर IS कोड 8.42 रेजिस्टेंस ऑफ सीयर बकलिंग, रेजिस्टेंस ऑफ सीयर शैल बी वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमें वेरीफाइड करना है, फॉर अ वेब विदाउट स्टिफनर और फॉर अ वेब विथ स्टिफनर। तो हम यहाँ पे ITS प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हमारी कंडीशन क्या है कि फॉर अ वेब विदाउट स्टिफनर। तो एज पर IS 800 2007 क्लोज नंबर 8.4.2 फॉर वेब विदाउट स्टिफनर। तो फॉर्मूला क्या है हमारी, डी बाई टी डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन देन रिक्वायर, अगर कम है
शुड बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड। ओके, तो हम यहाँ पे डी बाई टी डब्ल्यू इक्वल क्या 1400/12, तो कितनी वैल्यू आई, तो 1400/12 यानी कि 116.6 विच इज ग्रेटर देन 67। तो इससे हमें पता चलता है कि चेक फॉर शियर वेब बकलिंग इज रिक्वायर्ड। तो हम आगे जाके जब शियर वेब बकलिंग का चेक करेंगे, तो यहाँ से शियर वेब बकलिंग चेक करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे हमें स्टिफनर प्रोवाइड करना है, कि कहाँ हमें जरूरी है स्टिफनर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने वेब एरिया डिसाइड कर लिया, तब हम आते हैं फ्लेंज पोर्शन पे। किस पे आते हैं अब हम, फ्लेंज पोर्शन। नाउ टू डिसाइड फ्लेंज पोर्शन, तो फ्लेंज पोर्शन डिसाइड करने के लिए हमने स्टेप्स में क्या सीखा था, हमने स्टेप्स में ये सीखा था कि ये वाला इक्वेशन लगाना है हमें, AF इज इक्वल टू एम इंटू गामा एम जीरो बाई डी इंटू एफ वाई। AF मिलेगा तो AF इंटू बी एफ, AF इज इक्वल टू बी एफ इंटू टी एफ यूज करना है। उसमें हमें B यानी कि वॉट, बी बाई टी एफ इज इक्वल टू 8.4 पेज नंबर 18 से लेना है, तो उसमें बी इज इक्वल टू 8.42 और 2B इज इक्वल टू 16.8 टी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन है, AF इज इक्वल टू एम इंटू गामा एम जीरो बाई डी इंटू एफ वाई। हमें फ्रेंच के लिए क्या अप्लाइंग करना है, टू डिसाइड फ्लेंज पोर्शन। तो हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ फ्लेंज फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज फाइंड करना है। ये दोनों को फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ फ्लेंज। तो एरिया ऑफ फ्लेंज इज इक्वल टू एम इंटू गैमा एम जीरो अपन डी इंटू एफ वाई हो गया। तो एम क्या है हमारा, 5947.2 इंटू 10^6 इंटू 1.10 गामा एम जीरो। अपन डी क्या है, 1400 इंटू एफ वाई क्या हो गया, 250। तो इसके बेस पे हमें एरिया मिल जाएगा, तो एरिया क्या मिलता है, 5947.2 इंटू 10^6 इंटू 1.10 डिवाइड बाय 1400 इंटू 250। तो हमारा आंसर आया 1869.1.2 mm². इसको एक और बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो हमें ए एफ मिल गया, एरिया ऑफ रेंज क्या मिला हमें, 1869.1 ठीक है। तो अब हम ए एफ इज इक्वल टू बी एफ इंटू टी एफ। ओके, नाउ एज पर, मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि बी एफ इज इक्वल टू 2B। ओके, तो एज पर IS 800 2007 पेज नंबर 18, जिसमें सेक्शन क्राइटेरिया दिए हुए है, फिर से मैं लिख देता हूँ वो फाइल कहाँ पे, ये रहा। ये पेज पे से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, वेटेज सेक्शन बी बाई टी एफ 8.4 स्ट्रेन, बी बाई टी एफ इज इक्वल टू 8.4 स्ट्रेन। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू 8.4 स्ट्रेन इंटू टी एफ। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि 2B इज इक्वल टू, अब स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि 250/250, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2B इज इक्वल टू 16.8 टी एफ, बी इज इक्वल टू 8.4 टी एफ है, तो 2B इज इक्वल टू 16.8 टी एफ हो गया। तो बी एफ इज इक्वल टू 2B है, तो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन ए एफ इज इक्वल टू बी एफ इंटू टी एफ में बी एफ की और ए एफ की वैल्यू रख देता हूँ। तो ए एफ की वैल्यू क्या है, 1869.1.2 इज इक्वल टू 16.8 टी एफ इंटू टी एफ।
तो हमारा आंसर क्या हो गया, 18691.2 इज इक्वल टू 16.8 TF2। तो TF इज इक्वल टू व्हाट, 18691.2 डिवाइड बाय 16.8 अंडर रूट ऑफ आंसर, तो हमारा TF हो गया 33.35 mm। तो हम इसे एज्यूम कर ले, 35 भी एज्यूम कर सकते हैं, 40 भी एज्यूम करते हैं, मैं यहाँ पे 40 mm एज्यूम करता हूँ। तो TF इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, TF इज इक्वल टू हमें मिला 40 mm। ओके, तो अब हम फिर से अगेन AF इज इक्वल टू BF इंटू TF, तो यहां से हम BF इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं कि AF बाय TF। तो इसके बेस पे से हमें BF मिल जाएगा, तो 18691.2 डिवाइड बाय 40। सो व्हाट इज द आंसर, तो 18691.2 डिवाइड बाय 40, तो हमारा आंसर आ गया 467.28। तो लेटेस्ट राउंड फिगर में 500 mm, 500 mm हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो 500 mm मिल गया हमें BF। ओके, सो फ्लेंज पोर्शन भी हमें मिल गया। नाउ वी गेट द वैल्यू, द साइज ऑफ फ्लेंज इज इक्वल टू 500 mm बाय 40 mm। तो लेट अस मेक आवर प्लेट गर्डर, तो प्लेट गर्डर हमारा कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा, देखो दिस विल बी आवर प्लेट गर्डर। इजी है दोस्तों, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर, बस थोड़ा लेंथी बहुत है, आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, और स्पीड रखने के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। ये हो गया 500 mm, ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज हो गया हमारा 40 mm, तो दोनों फ्लेंज पोर्शन में हो गया, ये हो गया हमारा 500 mm और ये हो गया हमारा 40 mm। ओके, और ये बीच का जो डेप्थ है वो हमारा हो गया 1400 mm। अब ये हो गया थिकनेस ऑफ वेव, ये हो गया हमारा 12 mm। सो दिस इज अवर प्लेट गर्डर, क्या है ये हमारा हो गया प्लेट गर्डर। तो इस स्टेप ने हमने सीखा कि सेक्शन सिलेक्शन में वेब और फ्रेंज की साइज कैसे फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने सेक्शन प्रोवाइड कर लिया है, अब हमें सिर्फ चेक्स और डिजाइन करनी है। चेक्स करने हैं, अगर चेक्स में रिक्वायरमेंट है कि इसकी डिजाइन करो तो करनी है, अगर नहीं करना है तो नहीं करनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ चेक स्टार्ट कर लेंगे। ओके।